अब तक की सबसे बड़ी न्यूज, कुख्यात अपराधी शक्ति की फांसी में बस कुछ ही पल बाकी है। यमराज का दूसरा नाम है शक्ति। आज खुद मिलेंगे यमराज से। शक्ति के नाम पे केसेस पेंडिंग चल रहे थे। सारे केसेस में दोषी पाने के बाद कोर्ट ने उसे सजाए मौत सुनाई है। कल सुबह उसकी फांसी है। शक्ति, नहा धोके तैयार हो जाओ, 6 बजे तुम्हारी फांसी है। कौन है गोयल? रुका। नमस्कार सेठ जी। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। अब तू टट्टर चलाव छोड़ दा, दूसर नौकरी ढूंढ ला। वो कहे सेठ जी, कोनो गलती हो गल का हमसे? ना गलती ना, तू तो जिला जवार के सबसे टॉप ड्राइवर बड़ा, तो हरम कौन दिक्कत बा। वो का है शिव जी, तू तो जनते बाड़ा, सारा खुदाई एक तरफ, जोरू के भाई एक तरफ। वो हमार सारा आ गेल बा ससुरारी से, अब ओके टट्टर चलावे के पड़ी, यही से तो हके हटावे के पड़ा था। पर सेठ जी, ये तरीके से निकाल कर हुआ ठीक नहीं कर। अब तू ऐसे बात करता, सरकारी नौकरी के तो भरोसे नहीं के, ये तो तू ड्राइवर बड़ा यहाँ हिला तक के हिसाब ठीक बा। जा ड्राइविंग करक होके तो दूसरे एगो अपन ट्रैक्टर खरीद लिया और चलावत रहिया। आइए प्रभु, आइए जाइए। अच्छा प्रणाम। प्रणाम। जाओ बैठ। बच्ची ले आ भोजन ले आवा। हाँ बाबूजी, लावता नहीं। ली भैया। बाबूजी ले आओ दा बेटा, खाना खा ली। हम खाना ना खाए। हे शिवजी, चिंता मत करो, सर सलामत पगड़ी हजार हट्ठा कट्ठा बाड़ो, एक गुना सौ गुना करी मिली। भोजन करो। ए बाबू खाला, बानर का जाने अदरक के स्वाद, और हमार बबुआ जैसन ड्राइवर ओकरा के कब्बो ना भिटाई। हाँ। पुछला, चला खाना खा। कहतनी कि समय से बियाह शादी हो जाला तो अच्छा रहे। देखो माता रानी कृपा से बगले वाला गांव में एगो अच्छा लड़की भेटा गेल बिया। सोचा था नहीं कि यही लगन में निपटा दी। सोचत का बानी, जल्दी से भैया के ब्याह करी, अब बेटी के हाथ से बहुत खईनी लोग। हाँ पतो के हाथ से अब खईहा लोग, हमार छुट्टी हो जाई। हमार मतलब जब भतीजा भतीजी होई तब हम ओके खूब पढ़ाई लिखाई, ओके खिलाई। हाँ। अरे भाई वो तो ठीक बा, केहू पूछित की लड़की कैसन बिया। बताई कैसन बिया? बहुत सुंदर लड़की बिया, बहुते सुशील बिया।
बहुत संस्कारी लेखी बिया। बाबूजी। हाँ बेटा। बाबूजी हम मंदिर जाते हैं। ठीक बा बेटा, जा दर्शन करके जल्दी से आ जाइए। हे महादेव, हर हर महादेव, जय हो। ये का बदतमीजी है? हमरा आशिकी के बदतमीजी के नाम मत द, हम तार आशिक है। तोरा जैसन गुंडा का समझी आशिकी का होला? तोरा जैसन गुंडा था खाली अपन गुंडई और पैसा के बल पे लेकिन के हथियावल जाने लगे, और हम ओमे का लेकिन नहीं जे पैसा और पोजीशन देख के पिघल जाए। हम आज के जमाने के लेके हैं। हमरा अंदर आज भी संस्कार बा, वो 8वीं सदी के संस्कार जहाँ ई सिखावल जाला इज्जत और सम्मान से जियल जाला, समझ ले? ए थप्पड़ के बदला तोरा जिस्म के हर कपड़ा उतार के सरेआम तोर इज्जत लूट के ले सकत रही, लेकिन ते हमारा आशिकी हवे, यही से सिर्फ दुपट्टा ले ले बानी। और अब सुन, अब ले ते हमारा आशिकी रहस, लेकिन अब ते हमार जिद्द हो गई बड़े, सिर्फ और सिर्फ ते हमार बनबे। आज के बाद हर कदम पर तोर मुलाकात रखो से होई, याद रखिए। साइन कर। मालिक एमा तो कुछ लिखले नहीं के। तोरा पैसा लेवे के बारे तो साइन कर, बाकी हम बाद में भर दम। इली मालिक। जाना तारे, इस दुनिया में पैसा से बढ़ के कुछ नहीं के। एक बार बेटा नालायक निकल सकेला, लेकिन पैसा ना 100,000 लेके आवेला और 1,000,000 बुझाइल 4% पर देवता नहीं, 1 साल के सूद काट के। ठीक बा? ठीक बा मालिक। हिसाब चढ़ा दा कॉपी पर, गांव नाम ठीक से लिख दा। आवा आवा रखो, एकदम सही टाइम पर इला। हम तो हरे बोलावे खातिर आवत रहनी। आवा बैठा। चला ट्रे। लड़की वाला ओढ़नी कहाँ से ओढ़ लेला भाई? तारा लड़की के ओढ़नी बुझाता, कबो प्यार कैलो हो तब न बुझाई, तू ना समझबा। हाँ हम तो कुछ ना समझम। खैर छोड़ा, कल सवेरे लखनऊ जाएगा बा। लखनऊ काहे खातिर? तू जा वही जा वकील साहब के, हम सब समझा दे ले बानी। वही जा वकील साहब के लगे जा, बाकी वकील साहब सब संभाल लिए। हाँ तो ठीक बा, लेकिन हमारा एगो थार पसंद आ गई बा, वही समझा के थार ले ले आई, फिर हमरा का मत बोली। अरे गाड़ी में इतना पैसा खर्चा करे के का जरूरत बा? अगले महीने तो चुनाव बा। अरे तारा इलेक्शन से और हमारा गाड़ी से का ले दो के बा? हमारा थार चाहिए, बस चाहिए। ठीक बा ले लिया। हाँ हमारा कब जाएगा बा? कल है जाएगा बा। ठीक बा, पैसा दा खाली आ जाएगा। लीला तोहार खर्चा जा। कुछ कम नहीं के, एक और दा। अरे तोहरा कभी पैसा से मन ना भरेला। चल रे। ए बेटा। जी पिताजी। सारा हिसाब किताब तू ध्यान से समझला।
अपना चाचा के तरह लफंगा मत बन जाइया है, सारा बिजनेस तोरे संभाले के बाद में, ठीक बा? जी जी पिताजी। नारायण बाबू, चाय पानी तो हो गई, अब बिटिया के बुला दल जाओ। जी बोलाओ तनी। अरे अनीता सुनीता, अरे तनी गौरी के ले आवा लोगो। भाभी तो बड़ा सुंदर बाड़ी। आवा सुनीता अंदर चल। नारायण जी, जी बिटिया हमनी के बहुत पसंद बिया, बस एगो बढ़िया कोनो दिन बार देख के बियाह कर दल जाओ दोनों जना के। बड़ा सौभाग्यशाली बानी कि रउआ के हमार बेटी पसंद आ गई, और अब तो शिव बाबू और गौरी बिटिया के जीवन बितावे के बाद काहे ना 5 मिनट के लोग के छोड़ दे वाले जाए उनके अकेले में, और तब तक आई हम आपके अपन घर मकान देखा। चलिए आई चल, ठीक बा। कि हम कैसे लगने? बिल्कुल चांद के जैसन, बहुत खूबसूरत। और हम? हाँ, एकदम सीधा साधा, बिल्कुल ईमानदार। खाना बनावे आवेला तोहरा के? हमके खाना के साथ पकौड़ी बहुत पसंद है। और हमके पकौड़ी बनावे आवेला। कब मुरझाए नहीं रूपवा सलोना।
हमारे जान का ब्याह हो गए अबे हमरा खबर है पहले तोर कौन हक लेके रह जिए के ना ना हम कुछ नहीं कर तोर को मो अपना साफ माफ कर दबैया हट हट कर दबैया हट तार हमरा से कोनो मतलब नहीं के बीच में तू मत बोलो तार कुछ पता नहीं के पावर खातिर मैन पावर के होला बहुत जरूरी होला अरे भैया तारा सिर्फ पैसा और पावर से मतलब बा हमरा से ना का भइल है बताइबे हम ओकर नहीं के बुला सकत ओकर ब्याह हो गई हम लखनऊ का गई नहीं ओकर ब्याह हो गई हमरा के क्यों कुछ पता ले सके सब के सब हमर तमाशा बनावता अरे भाई तोरा पहले बतावे के चाहत है ना कोनो बात नहीं है अरे दुनिया में लड़कियन का कमी बगा रहे गौरी से बड़ा क्यों नहीं के ओकरा से निमन क्यों नहीं के भैया लेकिन तारे सब समझ में नहीं का किसी तारा से पैसा सोहरत से मतलब बा पैसा सोहरत अब रखते कब समझ ले बड़ा भैया कब हमारे पैर के बारे में सोचना पड़ा तू सोहरत के नशा चरा ले मोहब्बत ऐसा ही फ्री में मिली तोरा के अरे भैया मोहब्बत पैसा से ना मिलेला सलाम लखनऊ का गली को क्या कर रहा तो के माफ कर दी भैया इले कर्जदारन के लिस्ट है जाके वसूली पर लग जाओ मोहब्बत 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 पट जा वसूली कर साला ये कामरा गिल मामरा है क्या रे है बदनाथ क्या गौरी के ससुर गौरी के ससुर बद्रीनाथ अब आए खेल में मजा रे बद्रीनाथ आओ तनी कहो चिन्ह तरनु जी रुवा साधु बाबू के छोट भाई है हमरा कोनो शौक नहीं के तारे द्वार पावे के जौन काजवा ले बड़ा नू चुपचाप चुका दो कहाँ है सके अब अभी ये लड़का के ब्याह के नहीं बाबू हाथ खाली बा बाबू थोड़ा सा मोहलत दी थी तब हम धीरे धीरे कह के चुकता कर देती बेटा का ब्याह करे खातिर पैसा बा तोरा लगे हमार कर्जा चुका खातिर पैसा नहीं खे का जल्दी रह ब्याह करके कर हम अपना भाई के नियम सीधा ना है तन टेढ़ है आयल बनी तो पैसा लिए के जाती सुकर मनावा लोग तार पतो यह हमारा गांव के ही है ये करे वजह से तार लोग के छोड़ा था नहीं अगला बार छोड़ा बना चला सरे रउआ लोग के उन लोग से ब्याज पे पैसा ना लेवे के चाहत रहलो उ लोग सही आदमी ना होवन हमर गांव के सबसे बोर बदमाश आदमी होवन कर्ज पर पैसा दिहल और जब समय पे ना चुकावल जाला तो उ लोग के मारल पीटल उ लोग के काम हा और जमीनों हड़प ले लन जा ए जी कुछ भी कहके उन लोग के पैसा वापस कर दी हमके पूरा यकीन बा
कि आप सब ठीक कर दें। जाना तारू, हम अपना जिंदगी के अपना गरीबी के लेके बहुत कोसत रहनी, लेकिन जब से तू आयल बाड़ू हमरा जिंदगी में, हमके लागेला हमरा से अमीर केहू बटले नहीं के। बस ये जानला कि तू हमार ताकत हो, विश्वास रखा, हम सब सही कर दे। बटे शुक्रिया भगवान के, पानि तोहरा के सुनल चांद से। बटे शुक्रिया भगवान के, पानि तोहरा के सुनल चांद से। करी केतनो तारीफ तोहर कम बाटे हो, पाके तोहरा के दिलवा मगन बाटे हो। बटे शुक्रिया भगवान के, पानि तोहरा के सुनल चांद से। बटे शुक्रिया भगवान के, पानि तोहरा के सुनल चांद से। हर मनवा खुश हो खेला, प्यार तोहरा ई दिल के महसूस हो खेला। बटे शुक्रिया भगवान के, पानि तोहरा के सुनल चांद से। बटे शुक्रिया भगवान के, पानि तोहरा के सुनल चांद से। गौरी
अरे एक अरे कहाँ बोला गल बड़ू अरे रखो ए रखो रखो गरी गरी समझा समझा के थक गई गरी जी कहला ही माने जाए रघो चलो चल घर चल चल घर चल भैया गोरी चाहिए चल चल भाई चल चल गोरी चल चल घर चल अरवोट गोरी कितना बार कहने की डॉक्टर की दिखा ली ना लेकिन रवा तो समझते नहीं की ला जल्दी हाई लो पानी पी लो कितना बेर कहले हैं कि चला बनारस कोनो बढ़िया डॉक्टर के देखा देता नहीं लेकिन हमार बात मन बत अपना तार बात का माने देखते बड़ो पैसा कौड़ी हाथ पर है ये नहीं के अरे बहिनिया के ब्याह के बारे में सोचा कैसे कई धल जाओ छोटियो सियान भल जाती है छोटिया का और बीना का टेंशन लिहल बंद कर दो बीना की ब्याह के बारे में हम सोचा था नहीं लड़का देखा था नहीं हम हूँ कहीं बात चलो ले बानी कहलाओ तरह से लड़का वाला देखे खातिर रवा पानी गौरी माय डार्लिंग देखा तारा पैर में हमार का हाल हो गई जोन ऐसा तारा में बाना दारू में नहीं के ए भैया अभी ओकरा से इतना प्यार करी ना अब तो वो एक लेके के माई हो गई बिया एक बच्चा का माई हो या पांच बच्चा के हमार दीवानगी कम ना होई गौरा ऐसन कुछ कहे नहीं की करत कि वो राउड हो जाए करम हम करम रे अगर सिर्फ हमार बिया हमरे रही अगरे I love you गरे पदरी बाबू जी लड़की हमारा पसंद भी लेकिन खाली लड़की पसंद होखला से ना न हुई हम घरे जाता नहीं आ सोच विचार के बतावा अच्छा जी ठीक बाबा बू जी पापा अच्छी बाबा जी प्रणाम 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 रे नरमी से पैसा होता नहीं तो बकलोल समझता रसन पैसा कर दे रे है रघु बाबू इस साल धान के फसल अच्छा भइल बा धीरे धीरे राउर कर्जा चुका दे ते धान बेच के अपना बेटी के ब्याह करबे कि हमर कर्जा चुकेबे रे बेटा के ब्याह करे खातिर पैसा बा एकरा पढ़ावे खातिर पैसा बा एकरा पाले पोसे खातिर पैसा बा लेकिन हमार कर्जा चुकावे खातिर पैसा नहीं के ये हमारा मुँह पर कुछ लिखल बा का रे आए लिखल बा कुछ तोर महरुआ तो बड़ा चमकती है रे क्रीम पाउडर किने खातिर पैसा बा लेकिन हमार कर्जा चुकावे खातिर पैसा नहीं के अगर ये
दोनों मर्दन से कार्यवाही नहीं खेच चुकत तो घरवा का मेहरारुवन से बोल दे कि तनी पसीना बहावा से। भैया आवाज ना, आवाज ना। अभी तक थप्पड़ मर ले बानी, जरूरत पड़ला पर गोलियों मार सकेगी। पैसा समय पर दे दे सर। चला सर रे। ए जी का सोचा था नहीं कुछ नहीं। स्कूल में मन लगा के पढ़ाई करी हो ठीक बा बाबूजी कबैल बैठी 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 हम तो पहले ही कहले रहनी कि वो लोग अच्छा आदमी ना हो बन जा सुनी वो लोग के कर्जा जल्दी से जल्दी चुका दे शिव 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 देख ना तार बाबूजी की कहाँ हो गई जल्दी आवा भैया कवर बाबा बोली ना कुछ बाऊजी ए बाऊजी बाऊजी कहाँ हो गए लो ए बाऊजी बाऊजी अस्पताल लेके चलो बेटा हाँ भाई बाऊजी एक्सक्यूज मी आपको डॉक्टर साहब बुला रहे हैं जी आइए आइए बैठिए नमस्ते अभी तो बाबूजी की स्थिति ठीक है लेकिन ज्यादा समय तक अच्छी रहने वाली नहीं है ज्यादा से ज्यादा एक साल का वक्त है उनके पास अगर समय पे इलाज नहीं कराया गया तो स्थिति काबू से बाहर हो सकती है पर दमा का इलाज तो चल रहा है डॉक्टर साहब दमा का इलाज होता तो वो ठीक हो जाते लेकिन उनके दिल में छेद है और उनका ऑपरेशन कराने के लिए 5-6 लाख रुपए लगेगा पैसे का बंदोबस्त जल्दी से जल्दी करिए 5-6 लाख वरना स्थिति काबू से बाहर हो जाएगी जी डॉक्टर साहब सुनना इतना का सोचत अब यार एलोवेरा के या मशरूम के खेती कर ए में ढेर पैसा बा बात तो तू ठीक कहता पर खेती से अच्छा पैसा कमाए खातिर अच्छा पैसा लगावे के भी पड़ेला और हमरे लगे इस समय रुपया पैसा बा नहीं परिवार के हालत इतना खराब बटे कि का बताई तब परिवार के जरूरत पूरा करे खातिर हमके कमाए खातिर शहर जाए के पड़े ठीक बा भाई राउर फैसला से हमरा के कौनो एतराज नहीं के माई बाबूजी से बात कही नहीं हाँ कहले रहनी हम गौरी तू ये घर के बहू ना बेटा हाउ बेटा के फर्ज ही अदा करियो बाकी बाबूजी के तबीयत के बारे में तो जानते बाड़ू हिम्मत से काम लिया सोच समझ के हम शहर जाके दिन रात मेहनत करब
एजा के सगरो समस्या के खत्म कर दे। अब चला, रात बहुत हो गई बटे, आराम करो। सुता। कुछ भी हो जाए, दिन रात मेहनत करे के पड़ी तक करो, पर पैसा के इंतजाम करो। बाबूजी के इलाज करावे के बाद बीना के ब्याह करवावे के बाद एक ही रास्ता बा हमरा लगे, और वो बा मेहनत। मुन्नी जी, मन लगा के पढ़ियो, अपना माई के परेशान मत करियो, है ना? ठीक बा। पापा जल्दी आ जाए। जी पापा। ध्यान रखियो अपन। भाऊजी, टाइम से दवाई खाइयो, अपना सेहत पर ध्यान रखियो, है ना? गोल लगा। खुश रहो। माई, बाबूजी के ख्याल रखियो। तू अपन ध्यान रखियो। रो मत, हम जात तबानी, लेकिन विश्वास रख, जब वापस आएब ना तो तोहनी का और एक घर के सगरो समस्या दूर कर देब। गोर लगा तनी। खुश। रो मत पगली, शहर जाता ना भैया कमाए, कमा के आई है तो तोर ब्याह कर रही है ना। जय हिंद। मिस्टर सिंह, आपको पता है इस शहर में चल क्या रहा है आखिर? यस सर, एक शक्ति नाम का कुख्यात अपराधी है जिसने अब तक 17 लोगों को बेरहमी से मारा है सर। न जाने कितनी दुकानें लूट ली है सर। एक ज्वेलरी की दुकान में तो सर शक्ति ने 25 लाख की ज्वेलरी लेकर भाग गया और अंधाधुंध गोलियां चलाई जिसमें उस दुकानदार की मौत हो गई सर। मिस्टर सिंह, अगर शक्ति का आतंक इसी तरह इस शहर में चलता रहा तो यह शहर तो एक दिन बर्बाद हो जाएगा। और इतना सब कुछ देखने के बाद महसूस हो रहा है कि शक्ति बहुत बड़ा क्रिमिनल है। इंस्पेक्टर, आप अपनी टीम को तैयार करिए और शक्ति का एनकाउंटर कर दीजिए। केले। भाई गलिया लगे मोला बोलिया, गुरी हो तो हर जान मा।
बादल को लेके निकल और जाके अंडरग्राउंड हो जा। और जब तक मैं ना बोलूं तब तक बाहर मत निकलना। जा। देश बदल के कानून की आंख में धूल झोंक रहा है। के लोग सोचते हैं कि वो झंडे गाड़ लेंगे, लेकिन उन्हें क्या पता बुरे काम का बुरा नतीजा। इसको तो एक दिन मरना ही था। जय हिंद सर। सर मिशन सक्सेसफुल। जी ओके सर। साथे कुछ कुछ बहुत बड़ दुर्घटना घटल बा। ऐसे न सोचे के चाहिए। हाँ तू तू जरूर करो बुरा सपना देख ले हुपू। तू सोच जा, भगवान पर भरोसा रखा, सब ठीक हो जाए। सोच जा, चल सोच जा। हो गई कॉल है रलन कि शहर जाते ही फोन करब, ना तो उनकर कोनो कॉल है इल्बा और ना ही कोनो मैसेज। बात नहीं के भाई उनसे बहुत घबराहट हो रहा इल्बा। ठीक बड़ो न? अरे चाचा राउर तबियत खराब है का? अरे पैसा का बल चाचा, कहिया मिली पैसा? रघु बाबू अभी लेके हमार गले है कमाए, हम धीरे धीरे राउर चुका दे। चाचा बैठो। चाचा रहुआ हमारे का समझावे लगनी, करो 10-20 हजार रुपया लिखी दले, हम पूरा 8 लाख रुपया दिले बनी। कितना दिले बनी? 8 लाख। है 8 लाख। हाँ
8,00,000 रुपया। ऐसा लगातार लड़कवा गई बस शहर और ओकर लॉटरी लग दी और सब पैसा चुका दी। चाचा भलाई यही में बा कि चुपचाप हमार पैसवा वापस करता, ना तो ठीक ना होई। का करी मैडम, राउरी तकलीफ हमारा से देखल लिखे जात। पहले कितना बढ़िया फूल के नियन एकदम रउआ खिलखिलात रत रही और अभी मुरझा गेल बनी। एगो हमारा के रउआ बात बताई, शिव जी से ब्याह करके का मिलल है? आए भुखमरी, गरीबी और ई कर्जा के अलावा आए। हमारे को बात मान लेती ना, एक रात हमरा जोरे तो सुत जाए तू। तार सब पर सरे दूर हो जाई, बुझलू। और कर्जा भी माफ। चचा है राउर पतो के सबको समझा दे बनी, जल्दी से सलाम मशवरा कर ली और हमार पैसा वापस कर दी, यही में भलाई बा। ठीक बानू, चला सन रे, चला। अपने घर पे पढ़ती हो? हाँ हाँ, मैं डेली एक घंटा घर पे पढ़ती हूँ। अच्छा, जल्दी जल्दी चलो, बहुत लेट हो गया है। मेरी माँ भी मुझे घर पे बहुत अच्छे से पढ़ाती है। हाँ, पता है मुझे। चलो मैं आती हूँ। पापा तू एजा? छी पापा, तू सिगरेट कैसे पिए लगला? फेंका है के? चला घरे। आखिरी लेकी के है? हमके पापा कहाँ है कहाँ दिया? और हमके लेके जात कहाँ भी है? बाहर आवा।
शिव जी, ऐसन बेगाना जसन काहे देखा तारे और ये सब। बेटा शिव, तू कहाँ रहला? चार दिन से तार फोन बंद बा, ना कोनो हाल समाचार लेला ना कोनो हाल समाचार देला। तारा पता बा, तारा गैला के बाद ये परिवार की का हालत बा, तारा भाई के रो रो के बुरा हाल बा। माई आ तार मेहरारू कुछ खात पीत नहीं खे, आओ बहिनी जब देखा भैया भैया करत है, है छोटिया रोज पूछत रलसी हमार पापा कहाँ कबई है। ए जी कुछ बोलत काहे नहीं की, और एक का भैंस बना ले बने, चार दिन में क्यों इतना बदले लगा? इस सोना इतना महंगा घड़ी और ये चश्मा कहां से आई ला बोली कुछ। एकर शकल तो हो बहु हमरा से मिलत अटे, यही से ही लोग हमरा के अपन बेटा समझाता। सोचत का बड़ा शक्ति, पुलिस तोरी तलाश में दर दर भटक दिया। पुलिस के गोली खैला से अच्छा बटे कि कुछ दिन ही जा इनके नकली बेटा बन के पुलिस के नजर से बच के ही घर में लुकाइल रहा। माई बाबूजी, तो लोग तो अपन दुख बता देला जा हमरा के, लेकिन हम तो लोग उनके बिना शहर में कैसे रहनी का बताएं? शहर में हमार बिल्कुल मन नहीं लागल तो लोग उनके बिना, यही से मेजा भाग गई नहीं। रहल बात फोन कैला के, तो हमार मोबाइल चोरी हो गई रहा, बैगो चोरी हो गए हाई, कपड़ा कहीं से मिल गया तो पहर के चुपचाप चलिए नहीं माई, अब हम कहीं ना जाए, यही जाब रह के अपना माई बाबूजी के सेवा करब। माई भूख लागल बा, चल के खाना दाना। चल चल बेटा। बहुत बड़े चलिए हो तुम, बहुत बड़े, तुम मुझे अकेले छोड़ के कैसे जा सकते हो? तुमने एक बार भी नहीं सोचा तुम्हारे बगैर मैं कैसे जी सकती हूँ? क्या कर रहे? संभाल अपने आप को। मुझे मरना है।
संभाल अपने आप को। तूने तो सिर्फ उससे प्यार किया था, मेरी तो जान था, जान। बचपन में ना जब एक एक निवाले के लिए तरस रहा था तो पहला निवाला उसने मेरे मुंह में डाला था, तो सोच सोच मेरे दिल पे क्या बीत रही होगी। संभाल यार अपने आप को, प्लीज संभाल, ऐसा कुछ भी मत कर यार, संभाल तू अपने आप को। शक्ति! ए बाबू तनिक अच्छे से बैठा, ये कैसे आलती पलती मारा? शिव जी, हम तारा मनपसंद कोहड़ा के पकौड़ी बनौले बानी, खात काहे नहीं खा? तबियत ठीक बा ना? हाँ माई। कैसन बा? बहुत बढ़िया बा। खा खा। एक ऐसा दिन देखे के पड़ा तटे, मांस मछली चिकन मटन खाए वाला आदमी के ये भात दाल पकौड़ी खाए के पड़ा तटे। ला। चला शक्ति, मजबूरी के दिन चला था, गुजारा तक रही के पड़ी। खा खा। अरे बस हम कहते नहीं ना खा। का जी का सोचा था नहीं? कुछ हो ना, शहर से जब से आयल बनी तब से बदलल बदलल लागत था नहीं। चारे दिन में शहर में कौनो मती मार दिलस का? अब ऐसा कौनो बात नहीं के। का भाई? ओ गौरी, आज हमार मन नहीं खे, तो रुका हम आवा था नहीं। हे भगवान, इतना प्यार करे वाला आदमी आज बेरुखी से काहे पैसा होता? काजी, सिगरेट शहर जाके इतना बदल गई नहीं रहुआ? जे इंसान कबो पान बिना खैलस वो सिगरेट पी रहल बा। अरे वो दिमाग में बहुत सारा टेंशन चल रहल बाटे, यही से पिया था नहीं, तू ना समझ। हो चाचा, सुननी हमार दोस्त शिवजी आइल बड़न। हाँ आइल तो बड़। ए शिवजी, ए बाबू देखा ही के आइल बा हो?
आई हो दादा। अरे दादा अरे बाप, अरे बाह रे बा, चारे दिन में पूरा ऊपर से नीचे तक होलिया ही बदली हुई। ए चाचा, हाँ ये तो पूरा बदल गुल बा हो। जो न अपनी दोस्त के देख के तुरंत गले लगावत रहे, आई दूर रह के घूरत था। ओ तो शिव के दोस्त था। अरे यार तोरा के हमको वो भुला सके निका है, ते ही ते एकलौता हमार दोस्त बड़े। कैसन लागल हमार मजाक? क्या बात। हाँ आ देख, बात रहल डेंटिंग पेंटिंग के, तो हम शहर गए लनिए ना, ओइजा एगो आदमी मिलल, वह हमार डेंटिंग पेंटिंग का देलस। कैसन बा हमारे लोग भाई? एकदम जचत है, जचत है ना। हे बाबू सुनो, हे शिव जी, हे बाबू जी, तू दतवन मंजन कह के नाश्ता वास्ता कर, हम तनी बाजार से आवतन है ना। अरे खेते हमरा जाए करला, खेत घूमे खातिर, खेत के गोली मारा हमरा कुछ काम बा। देखिए शिव बड़ा खालाई। का बनत आज? आज हम रवा मनपसंद के खाना दाल भात चोखा और सब आलेल बड़ा शिव जी। ओ अपना के कुछ कपड़ा लेनी है बाबूजी। अरे तहार पूजा पाठ वाला सब इंतजाम हो गई? हाँ पूजा पाठ सब हो गई। बाबू कहाँ जाता रहो? बाबूजी थोड़ा मार्केट जाता रहनी है, काम बा कुछ। इतार माई तहरा खातिर जीवतिया उपवास रखले बड़ी। जीवतिया? ये जीवतिया का होला बाबूजी? तहर माई इतना साल से तारा खातिर जीवतिया रखेली, भुला गेला? भुलाइल नहीं बाबूजी, ओ का बा ना तू बतावेला तो नीक लागेला, यही से पूछनिया। बेटा हर महतारी अपने बेटा के दीर्घायु होके खातिर, ओकर रक्षा खातिर 24 घंटा के निर्जला उपवास रखेली, ताकि ओकरा पर कोनो आपदा ना आवे। इमाई हमरा के अपन बेटा समझ के हमरे लंबे उम्र खातिर व्रत रख ले भैया, एकर कर्जा कैसे चुकाई बा शक्ति। दी
खेती बाड़ी तो जुआ हो, फिर भी बाबू असो धान के फसल बढ़िया भइल बा और भगवान की कृपा रहल ना तो धान बेच के कुछ साधु के कर्जा दिया जाए। अरे बुढ़वा, तोर बेटे तो शहर से बड़ा जल्दी चलाई, एकर तो हवे बहुत बदल लगाता, लटरिया लग गल का? देखा तारा भैया, ऊपर से नीचे सियरा पूरा रोवा झार दे ले बा। लात के भूत हवन सन बात सना मनियन से कर्जा चुकावे का पैसा नहीं खे, अकाला में हेतना मोटा मोटा चैन पहन के घूमता लोग, इतनो बाप बेटा के तनी मार के भूत बनावा संता मारा सके रखे मार जी, चाची हो जा शिव जी के आ चाचा के रघुआ मरता चल के बचा लीजा
अपना ये भाई के और अपना पालतू कुत्तन के समझा दिए। आज हमरा सामने पहली बेर ऐसन भइल बा, ऐसे लतियौनी है दोहरौनी भइल तब फाड़ देब। ए तू तो हमरा सामने खड़ा होके हमरा के धमकी देवता रे? धमकी नहीं की देत रे, चेतावनी देता नहीं। समझा लिए ना तो अपना भाई से हाथ धो बैठ बे। तो की चोट तो नहीं खिला? अरे माई, हम बिल्कुल ठीक बन, हमरा के कहीं नहीं खिला गल देख। और लागी भी कैसे, तोर शेर बेटा जे हैं। ई में उन लोगन के कोनो गलती नहीं की, जौन पैसा हा वो चुकावे के भी पड़ी। तोहार बाबूजी 1.5 लाख रुपया उधार ले ले रहले, जेकर ब्याज बढ़ते बढ़ते आज 8 लाख रुपया हो गए। कर्जा मार पीट से ना बेटा, चुकावे से खत्म होला बेटा। बाबूजी, चाचा सब, बाबूजी की तबीयत अब कैसन? मैंने तो आपको पहले ही कहा था इनको कोई गहरा सदमा नहीं लगना चाहिए। लेकिन कुछ नहीं, अब इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। इनकी बीमारी क्रिटिकल कंडीशन में है। आप पैसे का इंतजाम करिए, हम डॉक्टर्स को कल लखनऊ से बुलवाते हैं। अब कहा हुई शिव जी, इतना पैसा की व्यवस्था कहां से हुई? शक्ति का फोन लगता है किसी पुलिस वाले के हाथ में होगा, वही कर रहा होगा। अरे यार, अबे राधे फोन क्यों कट कर रहा है? हेलो, अबे राधे फोन क्यों कट कर रहा है? शक्ति बोल रहा हूँ। शक्ति तो जिंदा है? हाँ जिंदा हूँ, क्यों, मुझे क्या होगा? और ऐसे क्यों बोल रहा है बे? तू जिंदा कैसे हो सकता है? मेरे सामने पुलिस वाले ने तेरी गोली मारी थी, मेरे सामने पुलिस वालों ने तेरी लाश लेके गए। हे भगवान, ये क्या हो गया? गुनाह मैंने किया था और मेरे गुनाहों की सजा किसी और को, ऐसा क्यों? शक्ति तू ये सब क्या कह रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तू मुझे विस्तार में समझाएगा? हाँ राधे, पुलिस ने जिसके ऊपर गोली चलाई थी ना, वो मैं नहीं था, बल्कि मेरा हमशक्ल शिव था। यार शिव तो गांव से
नौकरी करने के लिए शहर गया था। इत्तेफाक से उसी दिन मेरा एनकाउंटर हो रहा था और पुलिस ने जो गोलियां शक्ति के ऊपर चलाई थी वो गोली शिव को लग गई यार। राधे, आज तक न जाने कितना खून खराबा किया हमने, न जाने कितने लोगों को मारा है, लेकिन पहली बार पछतावा हो रहा है यार। शक्ति, तू ये सब छोड़, तुझे जैसे ही मौका मिले ना निकल वहां से। तू नहीं राधे, नहीं भाग सकते। रिश्ते नाते, प्यार मोहब्बत, अपनापन क्या होता है ये तू नहीं समझेगा राधे। अच्छा एक बात सुन, फटाफट मेरे अकाउंट में 15 लाख रुपए भेज अभी के अभी। शक्ति, जिन पैसों को तू अपनी जान पर खेलकर कमाया है उसे ऐसे ही गवा देना चाहता है? इतना इमोशनल मत बन यार। मैं इन लोगों का बेटा तो इनको नहीं लौटा सकता, पर बेटा बनके इनके बुरे वक्त में इनके साथ खड़ा तो हो सकता हूँ। तो फटाफट पैसा भेज। ठीक है, तेरी मर्जी। राधे, काजल कैसी है? कैसी होगी, दिन रात शराब पीती। पहले उसका सहारा तू था, अब शराब। एक काम करता हूँ, मैं उसे जगाता हूँ। नहीं, 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 राधे, जब तक मैं ना बोलूँ तब तक काजल को मत बताना कि मैं जिंदा हूँ। ठीक है शक्ति, तुम अकाउंट नंबर भेजो, मैं पैसे भेजता हूँ। डॉक्टर साहब, ये रहल ऑपरेशन के 6 लाख रुपया। बस एक ही निवेदन बा आपसे कि हमारे बाबूजी के कुछ ना होके के चाहिए। ये ऑपरेशन के बाद बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, आप चिंता ना करिए। जी डॉक्टर साहब, प्रणाम। मुबारक हो, ऑपरेशन सक्सेसफुल। धन्यवाद डॉक्टर साहब, किसी ने सच कहा है कि भगवान का दूसरा रूप डॉक्टर। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, अभी आप मिल सकते हैं, कुछ दिन में डिस्चार्ज करा के घर भी लेके जा सकते हैं। काकरे आयलवाड़े तो हर हिसाब किताब बराबर करे आयलवानी। पूरा 8 लाख रुपया बा, गिन लो। ठीक बा, हिसाब बराबर हो गए, अब तू जो एहजाज है। हिसाब किताब अभी बराबर नहीं है भाई। है? माई Shhh!
पगला गल वाले का तू आवाज ना ठीक ना कहले सुन अपना भाई से कह दे कि अपन हरकत बदल दे ना तो हालात हम बदल दे। आज के बाद हमरा परिवार के पास या हमरा घर के पास तोर भाई लौक गई तो अपना भाई से हाथ धो देबे समझा दिए होगे। सरवा हमनी के खुला चैलेंज देके चल गई और हमनी के जो मुंह ढक कर देखते रगनी जा सबर कर छोटे वो हमार गिरेबान पे हाथ डाल ले बा साधु के गिरेबान पे हाथ डाल ले बा अगर एकर बतरा सूत समेत ना ले ली ना तो अपन बाप के औलाद ना
ए जी खाना खा ली? बहू जी उठा खाना खा लो। हम खिला देता नहीं। रख, आज हम अपना बेटा के हाथ से खाई। आप खाएं, हम पानी लेके आवा तानी। जमीन के कर्जा, घर के कर्जा सब दिया गई। हमरा के मौत के मुंह में जाए से भी बचा ले लो। बस अब हमारी एक ही गो सपना रह गई बा, तारा बहिनिया के हाथ पियर हो जाए ना तो सब सब ठीक हो जाए ना। हाँ बाबू जी, तो चिंता मत करो, खाना खा। बिनवा खातिर हम लईका देखा था नहीं। बाबू बगल वाला गांव के इंजीनियर साहब के एगो लईका बा, बिनवा के साथवे स्कूल में पढ़त रहे, अब वो आर्मी में काम करेला, संयोग से गावे आइल बा। अब हमरा हिम्मत नहीं करत कि हम जाके उनसे बात करी, पता लग कितना दहेज मांगिए सब। दहेज के चिंता छोड़ो, हाई खाना खा, हम काले जाके वो लोगों से मिल ले। तब कैसे आवे के भाईला बाबू? रउआ हमरा घरे आयल रानी हमरा बहिन के देखे खातिर। रउआ कहनी कि हम जवाब दे, लेकिन कोनो खोज खबर ना मिलल, यही से चलिए नहीं रिश्ता के बात करे। आवे के तो बहुत लोग आवता, लेकिन लेकिन हमरा घुमा फिरा के बात करे ना आवेला। देखा बाबू के पढ़ाई में बहुत पैसा खर्चा भइल बा, तब जाके फौज के नौकरी मिलल बा, शादी ब्याह में बहुत खर्चा हो। सीधा सीधा बताओ कि दहेज में तू कितना देबा? राउर कोनो बेटी भी है ना, तरुआ एगो बेटिया के दर्द कैसे समझाओ? एगो बाप जितना लाड़ प्यार से अपना बेटा के पालेला ना, उतने लाड़ प्यार से अपना बेटी के भी पालेला, ओकरा के पढ़ावेला लिखावेला अपना छाती पर रख के बड़ा करेला, फिर अपना जिगर के टुकड़ा के एक दिन एगो अनजान घर में भेज देला। ओ घर में जौना घर में ओकरा के खुशी मिली कि गम ओकरा के इहो पता ना रहेला, तब बेटी से बड़ा दहेज कुछ ना हो सकेला। एक बात और कि रउआ जैसन दहेज के लालची पिता की वजह से ना जाने कितना लड़की गर्भ में मार दिल जाए। एको गरीब बाप के जब पता चले ना कि गर्भ में बच्ची भी आ और उ दहेज देहला में सक्षम ना रहेला, तब अपना बिटिया के जन्म ना देला। कहे से ओकरा के मालूम बटे कि पैदा भइला के बाद जब पढ़ा लिखा करके बढ़ करी ना, तो आप जैसे दहेज के लालची पिता ओकर खून चूस जिहें से दहेज के लालच में। अरे रउआ जैसन दहेज के लालची पिता में और अंग्रेजन में कोनो अंतर नहीं थे, अंग्रेज आके हिंदुस्तान के लुटना सा, और रउआ जैसन दहेज के लोभी पिता एगो लड़की के पिता के नोचेला। शर्म आवे के चाहे दहेज के नाम पे अपने बेटा के बेचे में, और हमके शर्म आवत आटे कि हम अपनी बहन का रिश्ता लेकर रउआ जैसन दहेज के लोभी पिता के घर में आ गए। और हाँ, तू तो एगो फौजी हवा ना जी, तो तोहरा के तो दहेज के खिलाफ होके चाहिए मर्दबा, तू कैसे इनका समर्थन करता? अरे सच्चा मर्द होला जो अपना दम पर अपने मेहरारू के पाले पोसे होकर हर खुशी का ख्याल रखे,
मर्दू ना होला जोन चंद रुपया के दहेज खातिर अपना जमीर के अपना स्वाभिमान के बेच दे। देश के फौजी हवा तोरा के एकर विरोध करे के चाहे। हमके शर्म आवा तटे तोहरा पर, तुहू तो अपने बाप की जैसे बात। अगर समझा सकेला तो अपने बाप के समझावा के दहेज खातिर इतना अच्छा फौजी के बेचे मत। अरे रुकी भाई साहब, हम तो बाबूजी से कहत रहनी कि हमारा दहेज ना चाही, लेकिन हमारे बाबूजी हमारा कबो समझले ही ना। जब राउर सोच ऐसन बा तो राउर बहिन के सोच कैसन होई, हम शादी खातिर तैयार बानी। हमरा के माफ कर दा बेटा, तहर बात हमार बेटा के सोच जवन हमारा ऊपर दहेज के लोभ के चश्मा चढ़ा रहलन ओकरा के उतार के फेंक दिहलस। अब शादी तो हो के रही, जा शादी के तैयारी कर, हम तैयार बानी। भाई साहब हमारे लगे सिर्फ 4 दिन के समय बा, हो सके तो 4 दिन में ब्याह कर देती तो बढ़िया रही, काहे से कि हमके बॉर्डर पे भी निकलेगे बा। तो कह दिया अब सब व्यवस्था हो जाए। परसों सोमवार हवे, शिव जी के मंदिर में दोनों जनी के धूमधाम से ब्याह होई। चलो ठीक बाबा, अब जा शादी की तैयारी कर। जितना तोके होमवर्क मिलल बा पहले वो कंप्लीट करा, फिर हम तोके मिनी याद कराई। भैया हे शिव जी, कुछ बात बनल? हाँ बाबू जी, बिनमा के ब्याह तय हो गए। परसों शिव जी के मंदिर में धूमधाम से होकर ब्याह कही जाए। परसों? इतना जल्दी कैसे हुई? हाथ खाली बा, पैसा कौड़ी नहीं के। ए शिव जी, कम से कम एक बार पूछ लेवे के तो चाहिए। माई अब बाबू जी, तो लोग उनके कोनो चिंता फिक्र कैले के जरूरत नहीं है। हम बानी ना, सब ठीक से हो जाए। भैया तू बताओ, तोरा के का चाहिए? हमरा कुछ ना चाहिए भैया, सब कुछ तो दे दे ले बाड़ा, बस तुहार साथ और तुहार आशीर्वाद चाहिए। होत का बा, इतना सारा पैसा आवत कहाँ से बा? हाँ शक्ति। राधे, कल सुबह तक मुझे मेरे अकाउंट में 30 लाख रुपए चाहिए। 30 लाख? तू पागल हो गया है? तू इमोशन में इतना भी अंधा मत हो जा यार। तूने कितनी मेहनत से पैसे कमाए और तुझे क्या लगता है इतना दान पुण्य करने से तेरे पाप धुल जाएंगे? राधे, ये सवाल और जवाब का वक्त नहीं है, शायद यही हमारा प्रायश्चित है। और वैसे भी हमने जिंदगी में लूटमार के अलावा किया क्या है? इस घर में आने के बाद मुझे माँ मिली, बाप मिला, बेटी मिली, एक प्यारी सी बहन मिली, तब ये भी क्यों नहीं कह देता एक बीबी भी मिल गई है। राधे, आगे एक शब्द मत बोलना, वो औरत मेरे लिए एक देवी है जो अपने परिवार के लिए समर्पित है। और रही बात मेरी, तो मुझे पता है मेरी मर्यादा क्या है, और ये मर्यादा भी मैंने इस परिवार में आकर सीखा, समझे? ठीक है, मैं पैसे डाल देता हूं, तेरे पैसे हैं, जो दिल चाहे वो कर। ठीक है राधे, काजल कैसी है? अरे वैसी है जैसी थी। ख्याल रखना उसका। ठीक है। हमारे समझ में नहीं आवत कि शिव जी के लगे इतना पैसा कहाँ से होता। अपना बाप का ऑपरेशन करा दिलस, हमने का सारा कर्जा चुका दिलस।
सुनिए कि काल शिव जी के मंदिर में अपना बहन के ब्याह करता और तौर हमने के आदमी देख ले के बाजार में सोना चांदी की खूब खरीदारी करते हुए उस साल हमरा का थप्पड़ मरलस तार कॉलर पकड़लस लेकिन घंटा हमने के ओकर कुछ करी जा बस रखो बस इंतजार के घड़ी समाप्त हो गई बा बिया हमें मंदिर से कर बहिन के डोली ना सेवा क्या अर्थी निकले ओकरा एहसास करावल जरूरी बा के साधु के गिरबान पे हाथ डालल और रघु पर हाथ उठावल कितना महंगा पड़ी ई ओकरा समझ में आई बाबूजी एकुल बियाह शादी के समान हवे माई हम सबके कपड़ा लेके आयल बानी सब जनी अपन अपन ले ला जा बिनवा हई तोरा बियाहे के दिन पहरे वाला कपड़ा बा आई देख हई तोरा खातिर सैंडल जूती सब ब्रांडेड बा एक नंबर वाला आ देख तो ए हम तोरा खातिर ई का लेके आयल बानी ई हवे तोरा खातिर महंगा वाला गहना देख माई देख आए गौरी बा ई बाटे एकरा खातिर हार पहिर के ना एकदम रानी लागी आई देख देख अब बाबू ई कुल इतना सामान लेला है पैसा कहाँ से आयला अरे बाबूजी अरे तू पैसा रुपया का टेंशन छोड़ा खाली अगर ब्याहे के बारे में सोचो कल एकर ब्याह ना खूब धूमधाम से कल जाए पूरा गांव जवार तमाशा देखी है अरे हमारी बहन का ब्याह होता आखिर इतना खर्चा होत कहां से बा चलो जा अब भाई सामान उठावा जा लेके अंदर चला जा इमोशनल भैला की जरूरत नहीं है हाई पकड़ो हो तू रहे था तबीयत खराब बतार हाई पकड़ माई ऐसन भाई भगवान सबके दे कितना अच्छा भैया बाड़न हमार भगवान करस की हमार उम्र भी भैया के लग जाए जी मंदिर में बिया के मंत्र ना श्राद्ध के मंत्र पढ़ल जाए राम नाम सत्य बा बस एक लाइन कहब तोहनी से जिनकी चाह तड़स तब भाग जा सा तोरा कहला से ले सबसे पहले एकरा के एकर जिंदगी से चर्चा कर सन एकर बाद एकर पूरा परिवार के चल
तू का देखता जो जो बर्बाद जिंदगी की अच्छी कहानी हूं मैं, तुम साला अभी अभी गुंडा बने, बचपन से सुनामी हूं मैं। अरे बप्पू, शो, हमारे भाई का माफ कर दे, हमने से बहुत बड़ी गलती हो गई, माफ कर दे। हट, अरे भैया, तोनी से हमारे पर्सनल दुश्मनी कुछ हो नहीं के, पर एगो बात याद रखिया से, अगर ये परिवार की तरफ आज के बाद आंख उठा के देखला सना
चल बस चुनाव जीत जाए। बाबूजी भाभी गाड़ी हमरा तरफ से तो दोनों जनी खातिर तोहफा बा, भाई की तरफ से छोट बहन के। इतना पैसा कहीं कुछ गलत काम तो नहीं करत ना? ये 20 लाख रुपया बा भाई की तरफ से, बहन खातिर एगो छोटा सा तोहफा। बहन अपन ख्याल रखियो। चली बहनोई जी। से बड़ी खबर, शहर के मुख्य अपराधी शक्ति, जिससे पुलिस पिछले 4 महीनों से पूछताछ कर रही है, लेकिन अभी तक उसने कुछ भी नहीं बताया है। शक्ति, ये तो मेरा शक्ति। राधे, शक्ति जिंदा है? राधे, शक्ति जिंदा है? मेरा शक्ति? ये शक्ति नहीं, उसपे 17 मर्डर के केस है। पागल, तुम देखो, शक्ति जिंदा है? राधे, काजल, ये शक्ति नहीं है, उसका हम शक्ल शिव है। इन सभी मामलों को देखते हुए कोर्ट ने सुनाया है फांसी, जिसे कल सुबह 6 बजे फांसी होने वाली है। दरअसल बात यह है, अब ये खुशखबरी मैं शक्ति को सुनाता हूं। फोन कहां है मेरा? जल्दी लगा। हाँ, लगा रहा हूं। उठाया फोन? उठा नहीं रहा है, फोन नहीं उठा रहा है। फोन कट गया लेकिन उठाया नहीं। एक एक हमार बेटा हमार सगरो दुख दूर कर दलास। ए बेटा, तहरा खातिर बस इतने कहे कि तहरा ऐसा बेटा मुदैयो के होके। ए जी, देखिए ना कि वो राधे नाम के फोन आवता। हम आवता नहीं। हाँ राधे, क्या बात है, फोन क्यों किया? अरे शक्ति, तुझे खुशखबरी देनी है। हाँ, क्या? वो तेरा हमशक्ल था ना, जो इनकाउंटर में मारा गया था, वो मरा नहीं था। तुझे पता है, पिछले 3-4 महीनों से पुलिस उससे पूछताछ कर रही है, लेकिन उसने कुछ नहीं बताया। अरे वो बताता भी क्या, उसे तो कुछ मालूम ही नहीं। हाँ, फाइनली तेरे रास्ते का काटा खत्म, मुबारक हो यार, कल उसको फांसी दिया जाए।
फोन कट कर दिया, कुछ बोला ही नहीं। थैंक्स गॉड। कुछ तो तू ही बता, जाऊं कहां कुछ तो रास्ता दिखा। ऐ जिंदगी कुछ तो तू ही बता, जाऊं कहां अब तो रास्ता दिखा। समझ में ना आए है उलझन, दिल का यही पैगाम है। जीना इसी का नाम है, जीना इसी का नाम है, जीना इसी का नाम है, जीना इसी का नाम है। भरोसे को क्यों तोड़ दूं, मन्नत जो मांगी थी मेरे लिए, उस घर को मैं क्यों छोड़ दूं, जो घर था जन्नत मेरे लिए। ये मेरे लिए इम्तिहान की घड़ी, समझ में ना आए है उलझन बड़ी, किसी के आंसू पोंछ लो, दिल का यही पैगाम है। जीना इसी का नाम है, जीना इसी का नाम है, जीना इसी का नाम है, जीना इसी का नाम है। उस बाप की चाहतों का सिला मैं कैसे चुकाऊंगा रब्बा मेरे, वो भोली सी मुस्कान एक जान है, मैं क्या दिखाऊंगा रब्बा मेरे। ये दिल भी तो रोता है आंखें भरी, समझ में ना आए है उलझन बड़ी, किसी के आंसू पोंछ लो, दिल का यही पैगाम है। जीना इसी का नाम है, जीना इसी का नाम है, जीना इसी का नाम है। कुछ कहे के चाहता नहीं रउआ सब ऐसे, दरअसल हम रउआ सबके बेटा ना हैं, ना ही बीना के भाई हैं, और ना ही ये पीहू के पिता, ना गौरी के पति हैं। तू कैसन बाकल बाकल बात करता रहा बेटा। हमरा और बेटा ना है बाबूजी,
बल्कि रहुए बेटा के हम शक्ल शक्ति हैं। हाँ माता जी, दरअसल एक शुरुआत वह दिन भल रहे जहिया आपके शिवी गांव छोड़ के शहर आए रहे। वही समय पुलिस हमरा के चारों तरफ से घेर ले रहे और हमारे एनकाउंटर करे खातिर हमरा ऊपर गोली चलाओ। पुलिस के बंदूक से निकलने वाली गोली शक्ति के ना बल्कि शक्ति के हम शक्ल आपके बेटा शिव के लग गए। पुलिस के रोरी बेटा के शक्ल में शक्ति मिल गई रहे और हम पुलिस से भागत भागत संजोग से आपके गांव में पहुंच गए। पर किस्मत के खेला देखी पेहू के नजर एक दिन हमरा पे पड़ गए और पेहू हमरा के अपन पिता समझ के आपके घर पे लेके आ गई। रउआ सबे हमरा के अपन बेटा समझे लगनी। हम बहुत असमंजस में रहनी के ऐसा काहे होता, हमरे समझ में कुछ भी ना आवत रहे। तभी हमार नजर दीवार पे लगल रौरी बेटा के तस्वीर शिव पर पड़ल। शिव और हमार शक्ल एक दूसरा से हूबहू मिलत रहे। चूंकि पुलिस हमरा पीछे लागल रहे यही से पुलिस से बचे खातिर हम शिव बन के रउआ घरे में रह गई। लेकिन हमके का पता रहे कि अनाथ के वो बाप के प्यार मिल जाए जोने माही के अचरा खातिर हम बचपन से अब तक तरसत रहनी हो माही के अचरा मिल जाए, एगो बहिन के प्यार मिल जाए, एगो बेटी के दुलार मिल जाए और जाने अनजाने में पति के इज्जत का हो ई जाने के मौका गौरी जी से मिल जाए। हमार चिकावा बाबूजी बाबूजी संभारी अपने आप के, शिव के कुछ होने के भाई राउर शिव जिंदा बाने। हमके अभी अभी पता चलल कि शिव के गोली त लागल रहे लेकिन रउआ सबके आशीर्वाद से शिव बच गए रहे। लेकिन चिंता के बात ई बाटे कि कल पुलिस शिव के सवेरे सवेरे फांसी देवे वाली बा। लेकिन हम वादा करते नहीं रउआ से बाहू जी कि फांसी पर राउर बेटा शिव ना बल्कि शक्ति चढ़ी राउर बेटा सही सलामत एक घर में रउआ सबे के पास आई। जाने अनजाने में कोनो गलती कहले होगी तो हम हाथ जोड़ के रउआ सबे से माफी मांगा। अरे ना रे पगला, माफी मांगे हमने के शर्मिंदा मत कर। हमने खातिर जितना तू कहले बड़न इतना तो कोनो सगा भी ना कर सके। धन्य हो उमाई जकरा कोख से तारा जैसे लाल पैदा भइल। ई जन्म में तो ना लेकिन अगला जन्म में तू हमार कोख से पैदा लिया। आज ले देवता के बारे में सुन ले रानी हा और मंदिर में मूरत देख ले रानी हा लेकिन ना साक्षात एगो देवता के अपना सामने देख रहल बानी। हम तो रौरा के आज तक अपन पति समझत रानी हा और अगर आप चाले रहती तो हमार पत्नी वर्ता के नाश कर ले रहती। लेकिन आप हमार पवित्रता के कबो भंग ना कही। एको नारी के सम्मान बचावे खातिर कभी मर्यादा के उल्लंघन ना कही। चमन मर्यादा एगो पत्नी के ओकरा पति खाते होला। अब सच में देवता बानी। रउआ हमरे पैर में झुक के हमरा के शर्मिंदा मत करी। राउर जगह हमरे पैर में ना शिव जी के पैर में बा और ए मंदिर जैसन घर में बा। अब देर मत करी जल्दी चली ना तो शिव के बचावल मुश्किल हो जाए। चली हमरा साथे। शक्ति
हाँ शक्ति बोल। राधे मेरी बात ध्यान से सुन, काजल को लेकर के सुबह सुबह 5 बजे जेल पहुंच जाना। जेल? हेलो शक्ति, जेल? शक्ति तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश? हमारा अंतिम संस्कार हमारे गांव में करवा देव साहेब। जल्लाद कार्यवाही पूरी करो। रुक जाओ। शिव जी बेटा, तुम कौन हो? इंस्पेक्टर साहब मैं वही हूँ जिसे पकड़ने के लिए कानून ना जाने कब से नाकोचने चबा रहा है, पर पकड़ नहीं पाया। जी हाँ, मैं हूँ वो क्रिमिनल शक्ति जिसके तलाश आपको थे। और ये तो बेचारा सीधा साधा सा गांव का एक नौजवान शिव है। पापा, जिसकी एक प्यारी सी दुनिया है इंस्पेक्टर साहब, उस दुनिया का एक ये बूढ़ा सा बाप है, ये इसकी धर्म पत्नी, ये बेटी और ये भोली भाली माँ, ये बिल्कुल सीधा साधा और बेकसूर नौजवान शिव है सर। इसका कसूर सिर्फ इतना है कि ये मेरी शक्ल लेकर के इस दुनिया में आया। आपको जिस क्रिमिनल की तलाश है ना सर, वो मैं हूं शक्ति। तुम चुपचाप वहां खड़े रहो, हिलना मत। मैं बहुत अच्छे से जानता हूं कि तुम्हारे दिमाग में क्या प्लान चल रहा है। गिरफ्तार कर लो इसे। शक्ति, मेरा शक्ति। काजल आओ। नहीं, मुझे छोड़ दो। जाओ काजल। सर, मुझे अगर अपनी जान बचानी होती या अपनी जान की परवाह होती तो मैं यहां नहीं आता। सर, मैंने कानून की किताब पढ़ी तो नहीं है, पर सुना है कि 100 गुनाहगार बेशक बच जाए, पर एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। सर, वो गुनाहगार मैं हूं, वो नहीं, उसे छोड़ दीजिए। छोड़ दो।
बाबूजी। बेटा, मत बिटिया हमार। माय हम ठीक बने। सर, आज तक न जाने कितने लोगों की जिंदगी ली है मैंने, न जाने कितना खून खराबा किया है, पर कभी एक पल के लिए भी पछतावा नहीं हुआ। पर आज अगर इस बेगुनाह को मेरी वजह से फांसी हो गई होती ना, तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाता। सर, दो मिनट के लिए छोड़िए ना। छोड़ दो। ए मर्दवा, तू तो हमारे नियर लगा तड़ो। धन्यवाद भाई, हमार जान बचावे खातिर धन्यवाद बोल के हमके शर्मिंदा मत करो। हमरा वजह से तोहरा के 4 महीना जेल में बितावे के पड़ल। हमरा वजह से पता ना तोहरा के कैसन कैसन प्रताड़ना झेले के पड़ल। ओकरा खातिर हम क्षमा प्रार्थी बानी भाई। हे बेटा, माफी मांगे की कोनो जरूरत नहीं के। तू जोन हमारा परिवार खातिर करे बड़ा ना, वो केहू ना कर पाई। रहुआ अगर चाले रहती तो हमार पत्नी वर्ता धर्म के तार तार कर दिले रहती, लेकिन रहुआ हमार पति और हमार पत्नी वर्ता धर्म के बचा के रखनी। रहुआ धन्य बानी। इंस्पेक्टर साहब, फांसी का समय निकला जा रहा है, मुझे फांसी पे चढ़ा दीजिए। और हाँ, लूट मार हत्याएं करने के बाद जितना भी पैसा है मेरे पास, वो सारा पैसा राधे और काजल के पास है, वो आपको दे देंगे। उसे अनाथालय में और बच्चों के स्कूल में पहुंचवा दीजिएगा। समझ नहीं पा रहा हूँ कि तुम्हें शाबाशी दूं या तुम्हारे पिछले कर्मों की सजा। किसी भी गाँव, शहर या राज्य में शांति व्यवस्था कायम रखना और नारियों को सुरक्षा प्रदान करना हम कानून वालों का काम होता है। हम अपराध खत्म करना चाहते हैं, अपराधी नहीं। और जब आत्मा बदल गई तो शरीर का मोल क्या है? बुराई की राह छोड़ के अगर कोई अपराधी अच्छाई की राह पर चलता है तो उसे एक मौका जरूर मिलना चाहिए। वैसे भी कानून की किताब में लिखा है, पापी को सजा दी जाती है, और तुमने इस परिवार की मदद करके शिवा को जिंदा रखकर अपने सारे पापों का प्रायश्चित कर लिया। मैं कोर्ट में अर्जी दूंगा, तुम्हारी फांसी की सजा रद्द हो और तुम्हारी सजा कम से कम हो। बच्चे, भगवान हमरा के दू गो बेटा देले बड़े रे, एक होके तो लेके जा रहा बनी, लेकिन तोर इंतजार, तोर बुढ़वा बाबूजी, तोर माई, तोर भाई, तोर भावे, तोर बहिन और तोर भतीजी करते रही लो हमेशा, तोर इंतजार कर लो। छोटे पापा,
छोटे पापा आप जल्दी से घर पे आ जाएगा, मैं आपको बहुत मिस करूंगी। प्लीज पापा आप जल्दी घर आ जाइएगा। तू ही बता जाऊं कहां अब तरसता दिखा। समझ में ना आए है उलझन बड़ी, कहीं प्यार है तो कहीं हथकड़ी, किसी की आस पूछ लूं दिल का यही पैगाम है। जीना इसी का नाम है, जीना इसी का नाम है।